बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं आज अपने चैनल पर आप लोगों को, तमाम दोस्तों को वेलकम करती हूँ। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक वार्मर, शॉल, स्कार्फ, शर्ट, मतलब इसमें प्यारे प्यारे आइडियाज़ हैं ऊन और कुरेशे से बनाए हुए। फ्रेंड, वैसे हमारे चैनल पर आप लोगों ने ऊन के काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया, यानी कि आइडियाज़ हम लेकर आते हैं आइडियाज़, ताकि आप हमारे आइडियाज़ से अपने लिए डिज़ाइनिंग पसंद कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड, इसका कलर आप देखें कितना प्यारा है और कट बनाए हुए हैं, यानी कि हम फ्रंट और कॉर्नर पर कट भी बना सकते हैं और बैक पर। ये देखिए कितना एक ना जाली नुमा, ये बिल्कुल जिगजैग, यानी कि चैन थे, बिल्कुल हल्का फुल्का सा नेक वार्मर बनाया हुआ था। और ये भी, यानी कि इस तरह की डिज़ाइनिंग आप खुद घर पर तैयार कर सकती हैं, अगर आपको क्रोशिए का काम आता हो तो। वरना फ्रेंड, आजकल कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, आप मार्केट जाएं, आपको हर तरह की डिज़ाइनिंग, हर तरह का कलर, मैचिंग कलर, आप कंट्रास्ट कलर, जैसे भी चीज़ चाहें आपको मार्केट से आसानी से मिल जाती है। आप किसी मुल्क में भी रहते हो, किसी शहर में घूमने फिरने जाएं, शॉपिंग सेंटर, मॉल, मतलब आपको देखिए कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन है, आइडियाज़ है। फ्रेंड, वैसे आज की वीडियो भी आपको यकीनन पसंद आई होगी। पहले की तरह वैसे आपने पहले भी हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, मैं इस बात का आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और थैंक्स। इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। फ्रेंड, हमें आपकी वीडियो देखने के बाद कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि आप लोगों ने वीडियो को देखा और प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। जब भी हम सुबह के बाद अपने काम पर स्टार्ट होते हैं, अपनी समझ लीजिए जॉब पर, तो हम सबसे पहले अपने कमेंट्स देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, फिर आगे चलते हैं, अपनी वीडियो बनाने की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड, इसलिए जो कमेंट्स में होता है, कोई रिक्वेस्ट होती है, तो आइंदा जो पिक्चर जमा करते हैं आपके कमेंट्स के बाद, ताकि आपने क्या देखा, क्या पसंद किया और क्या प्यारे प्यारे कमेंट्स आए। फ्रेंड, इसी तरह वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें और दुआओं में भी याद रखिएगा। फ्रेंड, इसलिए भी दुआओं के लिए कहते रहते हैं, दूसरों की दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं और कबूल हो जाती हैं। मैं भी स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए दुआ इसलिए करती हूँ कि हो सकता है हमारी दुआएं आपको लग जाएं और आपकी दुआएं हमें, और हमें दुआ सुनकर आमीन भी कह देना चाहिए। हो सकता है वही घड़ी कबूलियत की हो और हमारी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला हमारे लिए वो दुआएं कबूल कर लेते हैं जो हमारे हक में बेहतर और हमारे हक में भलाई हो, तो इसीलिए हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और करते रहना चाहिए, और उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। क्योंकि अच्छी बात अगर आपको लगे तो आगे ज़रूर फैलाया करें, क्योंकि अच्छी बात आगे बताना और फैलाना सदका जारिया है। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी मम्मा से भी, अपने लिए भी और हमारे लिए भी दुआ कराएं, ताकि वो भी कबूल हो जाए।